बताएं, इमरान खान कहते हैं आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने एक दूसरे को बचाया, अवाम मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के लिए बाहर नहीं निकलती। एवन फील्ड रेफरेंस के फैसले से मुल्क के मुस्तकबिल पर खुशाइंद असरात मुरतब होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का लाहौर का मुख्तसर दौरा, टिकट होल्डर से मुलाकात, हलकों की सूरत हाल पर बातचीत की। मुल्क में इस वक्त फैसला कुन वक्त है। पहली बार इंसाफ के निजाम ने किसी ताकतवर को सजा दी है। इन्होंने एहतसाब के निजाम को तबाह कर दिया था। पहली दफा पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम ने एक ताकतवर आदमी जो कि 30 साल से करप्शन कर रहा था, तो बाकी भी जो इनके नीचे करप्शन करने लगे हुए इनके वजीर और इनके ऑपोजिशन में लोग, उनको भी कोई नहीं पकड़ सकता था, क्योंकि इन्होंने खुद ही जो एहतसाब के निजाम को खुद ही तबाह कर दिया था। इमरान खान का कहना था कि अल्लाह कुलसूम नवाज को सेहत दे। नवाज शरीफ कुलसूम नवाज की बीमारी के बहाने को इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले तो कुलसूम नवाज का सबके तो मैं उनकी इज्जत भी करता हूँ, मैं कुलसूम नवाज के लिए हमेशा अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए, तो अल्लाह उनको सेहत दे। लेकिन ये जो नवाज शरीफ कर रहे हैं, मुझे मैं सवाल ये पूछता हूँ कि आप ये जो कुलसूम नवाज बीबी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि शहबाज शरीफ खुशकिस्मत हैं कि हुदैबिया पेपर मिल केस से बच गए। नया पाकिस्तान कानून की बालादस्ती के बगैर बन ही नहीं सकता। कैमरामैन मोहम्मद अमीन के साथ जुबैर साजिद ढिल्लू, लाहौर रंग।